दोस्तों, LIC की ओर से शानदार एक प्लान आया है। इसका नाम कन्यादान पॉलिसी प्लान है। दोस्तों, इस प्लान की खास बातें भी बात करेंगे और इस प्लान को क्यों लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि कन्यादान पॉलिसी का मतलब क्या है। कहीं आप बेटे के लिए या अपनी बेटी के लिए शादी के लिए कोई एक ऐसा प्लान ढूंढ सकते हैं जिसमें जो 10 साल 15 साल 20 साल बाद मेरा लड़का उतना हो जाएगा तब उसके लिए शादी करना है तो उसका पैसा चाहिए, तो उसके लिए अरेंजमेंट कहाँ से करूँगा, तो उसके लिए आप इस प्लान को ले सकते हैं। या अपने बेटे के लिए 10 साल बाद कोई दुकान खोलनी है, 5 साल बाद कोई दुकान खोलना है, या जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसके लिए कोई अच्छी कॉलेज में जो डिग्री प्राप्त करने के लिए पैसों का जुगाड़ करना है, तो आप इस प्लान में जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस प्लान की कुछ बेनिफिट बता देता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट है विथ प्रॉफिट इंडोमेट प्लान है। आपके शेयर मार्केट के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है, मार्केट के उतार चढ़ाव से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पैसा हमेशा सेफ रहेगा। दोस्तों, इस प्लान में आपको पॉलिसी टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। 3 साल आपका इसमें छूट मिलेगा। जैसे कि आपने कोई प्लान चूज किया 20 साल 25 साल का, तो उसमें 3 साल आपको कम प्रीमियम देना है, यह आपको इसमें फायदा मिलेगा। दूसरा फायदा आपका है कि आपको 10% का गारंटेड रिटर्न मिलेगा। आपके परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार की गुजारा के लिए आपको 10% का आपको गारंटेड बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ आपको जो 1.50 लाख का इनकम टैक्स में आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ आपको बता दूं, जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो आपको टैक्स फ्री रहने वाला है। इसके साथ आपको 2 साल के बाद आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लोन आप ले पाएंगे। और आपको 7वां जो बेनिफिट है, डेथ केस में आपका सारा प्रीमियम फ्री हो जाएगा, माफ हो जाएगा, आपके परिवार से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसके साथ आपको बता दूं, इस प्लान में कुछ एडिशनल बेनिफिट भी हैं, जैसे कि आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको पेमेंट मोड आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जैसे कि ईयरली चुनो, या आप हाफ ईयरली, या क्वार्टरली, या मंथली, जो भी आप चूज करो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म में आप जो भी आप पॉलिसी का टाइम चूज करोगे उसके हिसाब से, तो आप 13 साल से लेके 25 साल आप चूज सकते हैं, उनमें से आपको 3 साल कम प्रीमियम ही जमा कराना है। यानी जो भी आप पॉलिसी चूज करोगे उससे आपको 3 साल कम पैसा देना है। आप इस प्लान को आप अपने बेटे के लिए या आप किसी भी मेंबर के लिए आप खरीद सकते हैं, आप अपनी वाइफ के लिए या अपने बच्चों के लिए, अपने दादा के लिए, किसी के लिए खरीद सकते हैं जिनकी एज जिसमें जो फिक्स रखी गई है 18 साल से 50 साल के बीच है। ये प्लान आप लोग, आप मम्मी हो, पापा हो, आपके बच्चे हैं जिनकी एज 18 से 50 के बीच में है, वो आराम से ले सकते हैं और उनके नाम पे इस पॉलिसी को चला सकते हैं। इसमें आपको बता दूं, बीमा का एक है जो क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे कि आपको कम से कम आप अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने खुद के लिए 1 लाख का आपको लेना होगा। इससे कम का नहीं होता है, 1 लाख से ऊपर है आप, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जाओ जितना का ले सकते हो, 5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 10 लाख का, 15 का, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। इस प्लान में आपको अच्छा फायदा और अच्छा आपको ज्ञान दे पाऊँ, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दे पा रहा हूँ। सबसे पहला मैं अपने आप पर एग्जाम्पल लूंगा और मेरे परिवार को क्या बेनिफिट मिलेगा इसके बारे में बताएंगे। मेरा नाम देवेंद्र दोस्तों, और मेरी जो एज 25 है, और इस टर्म को हम ले रहे हैं, यानी मैं जो इस पॉलिसी को चलाने का टाइम पीरियड ले रहा हूँ, पॉलिसी टर्म जो मैं 18 साल ले रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जो भी हम टाइम पीरियड चूज करेंगे उनमें से 3 साल कम ही मेरे को पैसा देना है, तो मैंने इसमें जो 18 साल चूज किया उसमें से 15 साल ही मेरे को प्रीमियम जमा कराना है। 3 साल इसमें कोई मेरा पैसा जमा नहीं होगा, फ्री रहेगा। इसमें हम पेमेंट मोड अपने इच्छा अनुसार चूज कर सकते हैं। मैं आपको 4 ही बता दूंगा, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ठीक है। इसके साथ आपका जो टर्म राइटर भी आप चूज कर सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार। मैंने इसमें जो चूज किया है ADDDB, ये भी जो राइटर होता है इसमें, इसका एडिशनल आपको फायदा मिलेगा। बीमा प्राइस हम ले रहे हैं, यानी जो हमारा बीमा का जो बीमा धन लेंगे वो हम 5 लाख रुपए लेंगे। तो इसमें जो हमारा को एक एग्जांपल करके देख रहे हैं, तो ADDDB हमारा रहेगा वो हम 5 लाख रहेगा। टाइम राइडर के हिसाब से समय शॉर्ट 5 लाख रहेगा और बेसिक समय शॉर्ट भी हमारा 5 लाख रहेगा। अब दोस्तों, हमारी जो फर्स्ट ईयर की जो किस्त रहेगी वो किस्त कितनी होगी, तो मैं आपको चारों ही ऑप्शन बता रहा हूँ। सबसे पहले जो हम ईयरली की बात करें, तो ईयरली हमारी जो पेमेंट किस्त रहेगी वो लगभग 33,976 रुपये की होगी। इसके बाद हमारी 6 महीने की हाफ ईयरली जो किस्त होगी लगभग 17,167 रुपये की होगी। 3 महीने की हम बात करें क्वार्टरली की, तो हमारी जो 8,672 रुपये की होगी। मंथली की हम जहाँ तक बात करें, मंथली की जो हमारी किस्त आएगी दोस्तों 1,890 रुपये की हमारी किस्त आएगी। टोटल हम 15 सालों के अंदर LIC कंपनी को जो हम पेमेंट दे देंगे, जमा कर देंगे, वो हमारा लगभग 4,99,900 के आसपास होगा।
इसके आसपास होगा। हम ऑलमोस्ट की हम बात करें तो दोस्तों ये हमारा 5 लाख के आसपास होगा, 5 लाख हम प्रीमियम जमा करा देंगे LIC कंपनी को। अब हम इसकी जो बात करें मैच्योरिटी, जो हमारे को रिटर्न कितना देगी कंपनी, यही प्लान हम कंटिन्यू चलाएं और हम जीवित रहते हैं तो। सबसे पहला है जो सम शॉर्ट हमारे को 5 लाख का है तो वो हमारे को मिलेगा। इसके साथ हमारा जो बोनस होगा वो इकट्ठा बोनस हमारे को 3,78,000 के आसपास मिलेगा और एक एडिशनल एक बेनिफिट होता है जो फाइनल एडिशनल बोला जाता है 17,500 का होगा। टोटल हम अप्रोक्सीमेट बात करें तो जो 8,95,500 रुपये होगा, लगभग हम बात करें तो 9 लाख रुपए के आसपास होगा। अब इसी केस को हम एक नॉर्मल एक नेगेटिव वेट में लेके चले कि हमारे जो बीच में डेथ हो जाती है तो हमारे को क्या मिलेगा, हमारे परिवार को नॉमिनी को क्या मिलेगा। हम इसमें बात कर रहे हैं हमारी पॉलिसी चली और 2 साल के बाद हमारी डेथ हो जाती है तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे परिवार को क्या मिलेगा, नॉमिनी को क्या मिलेगा, क्या होगा, सारा प्रोसेस हम समझाएंगे। तो आपको बता दूं कि हमारा जो बीमा हो रखा है तो हम इसमें नॉर्मल केस में यदि हमारी डेथ हुई है तो 5 लाख रुपए एडिशनल तुरंत ही मिल जाएंगे मेरे परिवार को। इसके साथ यदि मेरी जो एक्सीडेंट में जो डेथ होती है तो इसका जो 5 लाख और ऐड हो जाएगा, यानी कि 10 लाख रुपए परिवार को मिल जाएगा। इसके साथ हर एक साल पैसा मिलेगा 10%, जो भी हमारा सम शॉर्ट है 5 लाख का बीमा है तो हमारा जो 10% 50,000 रुपए हर साल मेरे परिवार को, हमारी उसकी बच्ची के लिए या कुछ के लिए उसके नॉमिनी को मिलेगा हर साल। इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो हम 16 साल बचेंगे पीछे, तो 16 साल के हिसाब से 50,000 से काउंटिंग करें तो ये हमारा जो 8 लाख रुपए होता है। अब हम इसमें मैच्योरिटी की बात करें, जब ये जो इसकी पॉलिसी का मेरा टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तब मेरे परिवार को जो एडिशनल जो पैकेज होगा, जो हमने बोला होगा आपको कि जो इतना पैसा आपको मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट पर, वो हमारे मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा जो 9 लाख रुपए के करीब होगा। अब इस पूरे जो टोटल करें हम तो आपको लगभग लगभग ऑलमोस्ट 27 लाख रुपए का होता है और बहुत अच्छा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। ये इतने से पैसों में कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा फायदा हो रहा है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। और हाँ दोस्तों, LIC में इस प्लान को ही जीवन लक्ष्य प्लान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका टेबल नंबर तो सेम ही है बट इसके दो नाम है, जीवन लक्ष्य नाम भी है, तो 933 नंबर है। आपको इस प्लान के बारे में अधिक जानकारी के लिए और प्लान बाय करने के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9983714852, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको सारी डिटेल भेज दूंगा इसके बारे में, जो जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं। मैं इस फील्ड में 2 साल से कंटिन्यू हूँ, LIC एजेंट के रूप में काम कर रहा हूँ, अच्छा आपको बेनिफिट दिला सकता हूँ, अच्छी एक सर्विस दे सकता हूँ और अच्छा आपको फायदा करा सकता हूँ। और हाँ दोस्तों, इस प्लान के रिकॉर्डिंग मैंने एक अच्छा सा आर्टिकल लिखा हुआ है, आप लोग यदि चाहो तो आप आर्टिकल पढ़ सकते हो मेरी वेबसाइट पर, जिसका नाम devendralicagent.com है। इसमें मैंने जो फुल डिटेल में एक जो आर्टिकल लिखा है एक एग्जांपल करके समझाया है। बाकी आप मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर देना, मेरे जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस पर आप कॉन्टैक्ट करना, बताना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। और ये वीडियो अपने जो फैमिली मेम्बर है, दोस्त है, जिनको इस प्लान के बारे में जानकारी चाहिए या प्लान लेना चाहते हैं, अपने लाइफ के बारे में कुछ सोच रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना, कहीं ना कहीं आपको फायदा हो सके, उनको भी फायदा हो सके और एक अच्छा जीवन यापन कर पाए। दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।